जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के पहले अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय होंगे पाकिस्तान सीमा के पास। महिंद्रा के अर्माडो व्हीकल्स पहुंचे राजौरी सेक्टर। भारतीय विदेश मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए 1,42,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की कीमत वाले सिस्टम्स को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिली मंजूरी। और भारत ने वरुण अस्त्र टॉर्पेडो को किया था लाइव वॉरहेड के साथ टेस्ट। तो इस वर्ष फरवरी या मार्च के महीने से इंडियन आर्मी के लिए भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इससे ही जुड़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट एएनआई की तरफ से जारी की गई है और जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया है कि आर्मी के जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे तो उन्हें पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के पास जोधपुर में मिलिट्री स्टेशन में डिप्लॉय किया जाएगा। और ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए 50 से अधिक आर्मी के पायलट्स और टेक्नीशियंस को अमेरिकन फैसिलिटीज में ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। और इसका मतलब यह है कि आर्मी को जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे तो बेहद ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट ऑपरेशनलाइज हो सकती है। और बाकी तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऑलरेडी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है और इन हेलीकॉप्टर्स को वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स दोनों ही जगह पर डिप्लॉय किया गया है। और जबकि आर्मी के लिए फिलहाल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए जाने, लेकिन आगे चलकर इन हेलीकॉप्टर्स के कुछ और एडिशनल यूनिट्स के लिए भी ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं। और लैंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए भविष्य के जितने भी जॉइंट ऑपरेशंस होंगे तो उस दौरान भी ये हेलीकॉप्टर्स हमें एक बढ़त प्रदान करने में मदद करेंगे। और बाकी ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा बैटल प्रूवन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है। और इस हेलीकॉप्टर के एडवांस एवियोनिक्स, इसके एडवांस वेपन सिस्टम्स इसे एक घातक मशीन बनाते हैं जो कि इसे दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में अपने ऑपरेशंस को प्रिसाइसली कंडक्ट करने में काफी मदद करते हैं। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी एनएसए अजीत डोवाल, इंडियन आर्मी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड कमांडर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआरपीएफ, एसएसबी और गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी सीनियर ऑफिशियल्स शामिल हैं। और आज के इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री ने कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के बीच और भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी कहा है। और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में लोकल इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देने और मजबूत करने की भी जरूरत है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से कुछ वीडियो फुटेज सामने आई है और जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे ट्रूप्स के पास महिंद्रा द्वारा बनाए गए अर्माडो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इस तरह के व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरियाज में बहुत पहले से थी। बाकी एक अपडेट ये भी है जिसमें सेंट्रल एजेंसीज का अनुमान है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में करीब 91 आतंकी सक्रिय हैं और जिनमें से 61 पाकिस्तान से हैं। और जैसे कि पहले भी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि 2023 में जो टोटल आतंकी मारे गए थे तो उसमें से अधिकतर आतंकी पाकिस्तान से थे। यानी कि ऐसा पहली बार देखा गया है जब जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों की संख्या में स्थानीय आतंकी की संख्या कम है और जबकि दूसरे फॉरन टेररिस्ट की संख्या ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करता है कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान अपने अलग अलग प्रोपेगेंडा के जरिए यहाँ के युवाओं को भटकाता था तो शायद अब पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही है, तो इसलिए मजबूरी में उसे अपने वहां से यहां आतंकी भेजने पड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सीमा पार से जो इधर आएगा तो उन्हें हमारी फोर्सेज उनकी सही जगह पहुंचाई देगी। और जबकि कल सोमवार को जम्मू कश्मीर में स्पेशल यूएपीए कोर्ट ने किश्तवाड़ जिले से बिलोंग करने वाले 23 आतंकियों को प्रो क्लेम ऑफेंडर के तौर पर डिक्लेयर किया है और ये वो आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है उनकी जो यहां पे प्रॉपर्टीज हैं उसे जल्द ही अटैच करना शुरू किया जाएगा। आज मंगलवार को एएनआई के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एच शंकर की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जब भारतीय विदेश मंत्री ने रशिया को विजिट किया था तो उनकी इस रशियन विजिट को वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो उससे ही जुड़े हुए प्रश्न का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि भारत फोकस कर रहा है दुनिया भर के नेशंस के साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने पर। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर एक देश की अपनी खुद की वैल्यूज़ होती हैं और अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा चीन पर बात करते हुए उनका यह कहना था कि भारत को चीन के साथ यथार्थवाद के आधार पर निपटना चाहिए, जिसकी वकालत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पॉलिसीज में करी थी जब वे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय गृह मंत्री थे। और भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन के साथ डील करने के मामले में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओपिनियन में डिफरेंस था और ये डिफरेंस क्यों था तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि पहले गवर्नमेंट चीन के साथ आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के आधार पर डील करती थी, बल्कि चीन के साथ रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद के आधार पर डील करने की जरूरत है, जैसे कि पूर्व गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करते थे।
बाकी भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चाइना फर्स्ट वाली पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया, जिस पर उन्होंने चीन को कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पहले आप ले लो। खैर, इसके अलावा इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत माइंड गेम्स के मामले में चीन से हमेशा हारा है, तो भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम हमेशा हारे हैं, लेकिन हाँ कई ऐसे पॉइंट्स हैं, खास करके हम बात करते हैं जब उन पार्ट्स की जो कि अब पास्ट बन चुके हैं, तो ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और बाकी अब मौजूदा भारत सरकार चीन के साथ रियलिज्म यानी कि चीज़ें जैसी एक्चुअल में हैं बिल्कुल उसी के आधार पर डील कर रही है। और जबकि इसी दौरान पाकिस्तान पर भी बात करते हुए उन्होंने इस बात की तरफ संकेत दिए कि भारत पाकिस्तान के साथ डील करने को तैयार नहीं है जब तक कि पाकिस्तान एक आतंक मुक्त अनुकूल माहौल नहीं बनाता है। और भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि नई दिल्ली अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ उन शर्तों पर व्यवहार नहीं करेगी जहाँ पर आतंकवाद की प्रथा को वैलिड माना जाता है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत में लाना चाह रहा है, जो कि पाकिस्तान की कोर पॉलिसी भी है, लेकिन अब हमने इस खेल को ना खेलकर इसे इररेलेवेंट बना दिया है। और यह ऐसा मामला नहीं है कि हम अपने पड़ोसी के साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरकार एक पड़ोसी तो पड़ोसी ही होता है, लेकिन बात यह है कि हम उन शर्तों के आधार पर डील नहीं करेंगे जो कि वे निर्धारित करते हैं, जहां पर आतंकवाद को वैलिड और प्रभावी माना जाता है। बाकी उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान के एक्शंस और उनकी चॉइसेस के आधार पर निर्धारित होगा, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन पर एकदम से बिना किसी कारण के नहीं पहुंचता है, तो ये पाकिस्तान पर ही है कि वो इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढता है। और बाकी रशियन विजिट को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया का अलग अलग रिएक्शन आया था, तो उस पर भारतीय विदेश मंत्री ने एक बात और करी कि अगर लोग मुझे पढ़ नहीं सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे माइंड गेम्स काम कर रहे हैं। और भारत और रशिया की पार्टनरशिप को एलिब्रेट करते हुए उनका कहना था कि ये रिश्ता मजबूत और स्थिर है, और भारत ने हमेशा ही रशिया के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण और स्थिर रखा है। यानी कि आसान शब्दों में उनके कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय विदेश मंत्री रशिया के विजिट पर गए थे तो यहाँ पर भारत ने कुछ अलग सा नहीं किया, बल्कि भारत ने शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया है, और भारत वही करता है जो उसके राष्ट्रहित में होता है। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से देश के सभी डिफेंस साइंटिस्ट को इस बात का आग्रह किया गया कि वे भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को विकसित करने में ज्यादा फोकस करें, और उन्होंने खास तौर पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को विकसित करने पर फोकस करने के लिए भी कहा है जो कि अपनी तरह के पहले होंगे और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और एक ग्लोबल लीडर भी बनाएंगी। और डीआरडीओ चीफ ने पिछले साल टेस्ट किए गए हैवीवेट टॉर्पेडो वरुणास्त्र के बारे में बात करते हुए यह कहा कि इस टेस्ट के दौरान एक लाइव वॉरहेड से अंडरसी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया था, और जो कि उनके मुताबिक पूरी दुनिया में संभावित रूप से इस तरह का पहला डेमोंस्ट्रेशन था। और डीआरडीओ चेयरमैन की तरफ से भी कहा गया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए प्रोडक्ट्स के इंडक्शन के लिए 1,42,000 करोड़ रुपीज से भी अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, और अब तक डीआरडीओ इंडियन इंडस्ट्रीज को उनके द्वारा इनहाउस डेवलप किए गए सिस्टम्स के 1,650 टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुकी है, और जिसमें से 109 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर की गई है। और उनका यह भी कहना था कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए ऐसे कई सिस्टम्स हैं जो कि अपने यूजर इवेल्युएशन के फाइनल स्टेज में हैं, और कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जो सिस्टम्स यूजर ट्रायल्स के अंडर हैं और जो अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स की फाइनल स्टेज में, तो उन सिस्टम्स को इस वर्ष यानी कि 2024 में यूजर्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि वो उनकी सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ये भी बताया कि 141 से अधिक पेटेंट्स हमने अभी तक फाइल किए हैं, और आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। आज मंगलवार की सुबह मणिपुर के मोरे में एक बार फिर से कुछ हिंसक घटना होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे मिलिटेंट्स के हमले में मणिपुर पुलिस के 4 कमांडोस और एक बीएसएफ का जवान घायल हुआ है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक घायल जवानों को ट्रीटमेंट के लिए इम्फाल के आरआईएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बाकी इस हमले के पीछे जो भी थे उनको पकड़ने के लिए पुलिस काम कर रही है, और ऑफिशियल्स का कहना है कि वे जल्द ही पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के अनुसार सजा भी मिलेगी। बाकी इसके अलावा जैसे कि तय था, आज 2 जनवरी से राजस्थान के महाजन में भारत और यूएई की आर्मीज की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के पहले एडिशन की शुरुआत हो चुकी है, और इस एक्सरसाइज में यूएई लैंड फोर्सेस के 45 पर्सनल का कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडियन आर्मी के कंटिजेंट को भी मुख्य रूप से मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक इमेज पोस्ट की गई थी, और इस इमेज में जो इंडियन आर्मी के ATVs हैं वो कॉनकर्स ATGM सिस्टम के साथ इक्विप्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मोबिलिटी और फायर पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और अब समय है आज के इतिहास का। आज ही का वो दिन है जब पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, और इस हमले में शामिल आतंकियों को ढेर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन 5 जनवरी तक जारी रहा था, लेकिन इसी हमले के दौरान हमने अपने 7 वीरों को खोया था, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, गरुड़ स्पेशल फोर्सेज से कॉर्पोरल गुरसेवक, DSC से सूबेदार मेजर फतेह सिंह, हवलदार जगदीश चंद, हवलदार कुलवंत सिंह, हवलदार संजीवन राणा और लांस नायक मूलराज। तो ये वो हमारे वीर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार और कॉर्पोरल गुरसेवक को मरणोपरांत शौर्य चक्र से, और हवलदार जगदीश चंद को मरणोपरांत
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए एक आतंकी हमले को नाकाम करते हुए इंडियन आर्मी के एक यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और हमारे इस वीर ने अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले 300 लोगों की जान बचाई थी और 2 आतंकियों को एलिमिनेट भी किया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है तो वो कब क्रिएट की गई थी। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।